नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। भारत बंद आज बिहार और मध्य प्रदेश में बंद का सबसे ज्यादा असर। केंद्र सरकार द्वारा SC ST एक्ट में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के लोगों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। मध्य प्रदेश प्रशासन इस बार भारत बंद को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है। भारत बंद को देखते हुए मध्य प्रदेश के 3 जिलों मुरैना, भिंड व शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। एशियाड मेडल विजेता ने केजरीवाल को खरी खरी कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एशियन गेम्स के मेडल विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया, लेकिन उसी दौरान वो एक एथलीट के निशाने पर आ गए। एशियन गेम्स में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहलवान दिव्या काकरन ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने तब उनकी कोई मदद नहीं की जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिव्या ने फोन किया, चिट्ठी लिखी, लेकिन सरकार तब सो रही थी। लेकिन जैसे ही मेडल लेकर दिव्या दिल्ली पहुंची, सरकार गले लगाने पहुंच गई। 12वें दिन के अनशन पर हार्दिक पटेल, भाजपा सांसद ने दिया समर्थन। गुजरात में पाटीदार समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल का अनशन आज भी जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी छोड़ चुके यशवंत सिन्हा ने उनसे मुलाकात की और उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बता दें कि 12 दिनों में हार्दिक पटेल का वजन करीब 20 किलो गिर गया है। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, बावजूद इसके उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराने और सैंपल देने से इनकार कर दिया है। भारत से टेंशन खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने लगाई अमेरिका से गुहार। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के सामने पाकिस्तान ने भारत से जारी तनाव को कम करने की गुजारिश की। अमेरिकी विदेश मंत्री बुधवार को पाक दौरे पर थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी सीमा से सटे अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है कि पूर्वी सीमा क्षेत्र पर तनाव ना रहे। हालांकि खुले तौर पर भारत के नाम का इस्तेमाल करने की जगह पर पाक की तरफ से पूर्वी सीमा का प्रयोग किया गया। भारत अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग आज। भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में 2+2 बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत की ओर से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हिस्सा ले रही हैं, जबकि अमेरिका की ओर से रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो शामिल हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच गहराते संबंधों को यह बातचीत एक और अहम मोड़ दे सकती है। एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम फिर नए रिकॉर्ड पर। पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इसके अलावा मुंबई, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें अन्य मेट्रो सिटीज के मुकाबले सबसे अधिक थी, वहां प्रति लीटर पेट्रोल का दाम 86.91 रुपए और प्रति लीटर डीजल का दाम 75.96 रुपए हो गया है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के लिए गिरता रुपया और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें जिम्मेदार हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट जारी है। महंगे किराए के मामले में दूसरे नंबर पर दिल्ली मेट्रो। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो रेल को लेकर ऐसी खबर सामने आई जिसे जानकर दिल्ली वालों को बिल्कुल खुशी नहीं होगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के मुताबिक दिल्ली मेट्रो दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा महंगी मेट्रो सेवा है। केजरीवाल ने रिपोर्ट ट्वीट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे बहुत दुख हो रहा है कि परिवहन के इतने महत्वपूर्ण साधन को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है, जिन्होंने महंगे किराए के कारण मेट्रो से सफर करना छोड़ दिया। वे अब सड़क परिवहन का इस्तेमाल कर दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा कर रहे हैं। 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली देश की दूसरी कंपनी बनी TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS मंगलवार को 8 लाख करोड़ से अधिक के मार्केट कैप वाली देश की दूसरी कंपनी बन गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले महीने यह मुकाम हासिल किया था। TCS का शेयर मंगलवार को 2% की तेजी के साथ 2093.20 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इंट्राडे में शेयर 2100 रुपए के लाइफटाइम हाई लेवल पर पहुंचा था। नेहरा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, RCB के बने नए कोच। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र के लिए बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोचिंग टीम से जुड़ गए। नेहरा इस समय टीम के गेंदबाजी कोच हैं और अब वह नव नियुक्त कोच और सलाहकार गैरी कर्स्टन के साथ कोचिंग नेतृत्व टीम का हिस्सा होंगे। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में खेलने वाले नेहरा 2 बार क्रिकेट विश्व कप, 2 बार एशिया कप और 3 बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। राजकुमार राव की स्त्री ने देओल परिवार की यमला बगला को दी मात। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री फिल्म बजट निकालने के बाद कमाई की ओर बढ़ गई है। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ था, जो कि इस फिल्म ने महज 3 दिन में ही निकाल लिया और अब राजकुमार राव की स्त्री बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। वहीं धर्मेंद्र की फिल्म यमला पगला दीवाना की बात करें तो यह फिल्म बजट निकालना तो दूर, अच्छा कलेक्शन भी नहीं जुटा पाई। इन दोनों फिल्मों के 6 दिनों का कलेक्शन आ गया है, जिसमें स्त्री यमला पगला दीवाना को मात दे रही है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।